नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईएसएल के फास्ट चैंपियन एटीके की तरफ से खेलने वाले उन सभी प्लेयर अभी क्या कर रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ईयर आईएसएल के चैंपियन एटीके के कोच थे एंटोनियो लोपेज हवाज, वो इस साल भी एटीके के कोच हुए हैं। इस टीम के गोलकीपर थे अपुला एडिल, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी लास्ट मैच पुणे एफसी की तरफ से 2016 साल में खेले थे। इसके बाद आते हैं राइट बैक। राइट बैक पोजीशन में उस मैच में खेले थे किंगशुक देवनाथ, वो अभी ईस्ट बंगाल के तरफ से खेल रहे हैं 2018 साल से। उस साल एटीके को चैंपियन बनाने के लिए इंडिया की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर थे अर्णव मंडल, वो अभी कोई भी क्लब से नहीं खेल रहे हैं। इसके बाद आते हैं उस विनिंग टीम के कैप्टन के बारे में, वो थे जोसेमी, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। 2015 साल में वो लास्ट एटीके की तरफ से खेले थे। अब बात करते हैं उसी टीम के लेफ्ट बैक जाकूब पुदानी के बारे में, वो अभी चेक रिपब्लिक के फर्स्ट डिवीजन क्लब बेमियास के तरफ से इस साल खेल रहे हैं। अब बात करते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर बोहा फर्नांडेस के बारे में, वो इस साल 2019 को रियल वाल्डोरिया एफसी के तरफ से अपनी लास्ट मैच खेल चुके हैं और वो अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर से रिटायर भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं और एक डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफेंसिव नाटो के बारे में, वो 2017 को लास्ट टाउनशिप रोलर्स के तरफ से अपनी मैच खेले हैं, उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल फुटबॉल मैच नहीं खेले हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल मिडफील्डर प्लेयर अनाल के बारे में, जिन्होंने 2014 में एटीके के तरफ से अपनी लास्ट मैच खेल चुके हैं, वो अभी प्रोफेशनल करियर से रिटायर भी हो चुके हैं। उस साल एटीके के तरफ से राइट विंग से खेलने वाले बलजीत सिंह साइनी अभी कोई भी क्लब के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। उस मैच में एटीके के तरफ से लेफ्ट मिडफील्डर खेलने वाले संजू पोदान इस साल मिनर्वा पंजाब के तरफ से खेलेंगे। उस मैच में खेलने वाले एकमात्र स्ट्राइकर मोहम्मद रफ़ी इस साल केरला ब्लास्टर के तरफ से आईएसएल खेल रहे हैं। पहले आईएसएल चैंपियन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर थे सब्स्टिट्यूट होकर आने वाले मोहम्मद रफ़ी, वो इस साल मुंबई सिटी एफसी के तरफ से आईएसएल खेल रहे हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट बेंच में रहने वाले उन सभी प्लेयर के बारे में, जैसे सुभाषिष राय चौधरी जो अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में खेल रहे हैं, निपिन महनराज जो अभी चार्चिल ब्रदर्स में खेल रहे हैं, लेस्टर फर्नांडेज जिन्होंने रिटायर हो चुके हैं, लुइस गार्सिया वो भी रिटायर हो चुके हैं, जॉफ्रे उन्होंने भी लास्ट मैच एफसी गोवा की तरफ से खेला वो भी रिटायर हो चुके हैं, और केविन लोबो जो इस साल एटीके की तरफ से खेल रहे हैं। आप लोग हमें बताइए इन सभी प्लेयर में से आपके फेवरेट प्लेयर कौन थे और क्यों, ये बताने के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।